जिस वेद के तीव्र उदय के कारण, जिस अब्रह्म के कारण, जिस कुशील के कारण नरई ही मदिना रदिना बद्धा, मनुष्यों के द्वारा मद मत हाथी भी बद्धा बंधन को प्राप्त हो जाते हैं। और कैसे हाथी हैं? महादेहा, बड़े भारी शरीर वाले हाथी हैं। और कैसे हैं? करेणु वशदा अवशम, करेणु का अर्थ हथिनी होता है, तो हथिनी के वश में जाने वाले और अवश्य अपने वश में न रहने वाले वे हाथी मनुष्यों के द्वारा बंधन को प्राप्त होकर क्लेश मापन बनती क्लेश को प्राप्त करते हैं। स्पर्शन इंद्रिय विषय सुख के अधीन होकर हाथी बंधन में पड़ जाता है। रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर मछली उस कांटे में जो उसके लिए प्रलोभन होता है उसको खाने के लिए भागती और उसमें फंस जाती है, मरण को प्राप्त होती है। घ्राण इंद्रिय के प्रभाव से भ्रमर पुष्प के रस का रसपान करते हुए उसकी खुशबू लेते हुए कमल में बंद हो जाता है और सवेरे तक श्वास घुट जाने से मर जाता है। और चक्षु इंद्रिय के कारण ये जो पंखी होते हैं पतंगा होती है वो तितली से भिन्न है, जो प्रकाश से आकृष्ट होने वाले जीव जंतु उनकी बात चल रही, उनको उर्दू भाषा में परवाना कहते हैं और वो जो दीपक की लौ होती है उसको अग्नि कहते हैं। तो कितने ऐसे जीव चक्षु इंद्रिय के वशीभूत हो जाते हैं और उससे उनका मरण होता है। लाइट में भी आप देखो बाहर जो स्ट्रीट लाइट है उसमें जो ऐसे एक कांच जैसा लगा ना नीचे, उसके अंदर कितने कीड़े आकर के भर जाते हैं और वही मरण को प्राप्त होते हैं। और फिर करण इंद्रिय के वशीभूत होकर हरिण हिंदी में हिरण बोलते हैं द्वारा पकड़ लिया था, करने का अभिलाषी हाथी और मदिनो यानी मदमत होने पर भी बड़े भारी शरीर को धारण करने वाला हाथी नरी बद्धा मनुष्यों के द्वारा बद्ध हो जाते हैं और अवश्य पराधीन बन जाते हैं, अवश्कार पराधीन भी है। और क्लेशम आपनुवंती क्लेश को प्राप्त हो जाते हैं, पीड़ाओं को प्राप्त करते हैं। यच्चैव जनता मान्य वलिनां गुणशालिनां निदानं मानहान्यादि क्लेशानां इह देहिनां। एवं यच्च और जिसके कारण, इसी तरह जैसे हाथी क्लेश को प्राप्त हुआ इसी तरह जनता मान्य बलिनाम गुणशालिनाम देहिनाम और जो अब्रह्म जनता में जिनका सम्मान है, जो बलवान है गुणशाली है, ऐसे प्राणियों को भी ऐसे मानवों को भी मान हानि आदि क्लेशों का इस जगत में कारण बन जाता है। अब्रह्म विषयक जो राग है ना वो बड़े बड़े सम्मानित मनुष्यों को स्त्रियों के चरणों में झुका देता है,
और वो उनके इशारों पर नाचते हैं, ऐसे पराधीन हो जाते हैं। पंडित गोपाल दास बरैया जी का था कि उनको सब जगह सम्मान मिलता था, बस घर आते थे तो फिर अपमान होता था, खतरनाक बन जाता। अच्छा अच्छा गन्ने से पिटाई करनी तो गन्ने टूट गए, वो गन्ने लाने बच्चे गन्ने मारे थे ना, तो गन्ने लाने के लिए भैया गन्ने लेने के गन्ने दो गन्ने दे दिया, उसमें क्या एक गन्ना डेढ़ गन्ना तो रास्ते में बच्चे मांगते मांगते लेते लेते आ गए। अच्छा अच्छा और तो ये थोड़ा सा कैसा था, इतना सब अच्छा था, तो इतना बच्चे तुम ठीक से थे, दो बच्चे को ये क्यों दोगे, तो गुस्सा आ गया, एक गन्ने दो लाए थे रास्ते में बच्चे ने दे दिया, गोपालदास बरैया जी वर्णी जी के गुरु जी थे, बहुत बड़े विद्वान थे, जैन सिद्धांत प्रवेशिका उन्हें लिखे, सुशीला उपन्यास भी उन्हें लिखा है, अच्छे भारी विद्वान थे। तो पत्नी ने दो गन्ने लाने को भेजा, वो लेकर के आ गए, रास्ते में बच्चों ने डेढ़ गन्ने मांग मांग करके ले लिए उनसे। जब आधा गन्ना लेकर पहुंचे तो पत्नी ने बोला कि क्या बोला था मैंने, तो बोले तुमने जो बोला था वो मुझे याद है पर रास्ते में बट गए, क्या करो। तो फिर उसी गन्ने को हाथ से लेकर के गुस्से में उसने पंडित जी की पिटाई कर दी, और पिटाई कर दी तो वो गन्ने गन्ना टूट गया, कुछ गन्ने थोड़े सॉफ्ट होते हैं वो टूट गया। तो पंडित जी ने बोला अगर मुझे कहते तो मैं उसके टुकड़े कर देता, पर चल मेरे मुझे टुकड़े नहीं करने पड़ेंगे, यही टुकड़े तो खिला दे सब बच्चों को। तो घर पे जो बच्चे थे उनको उन्होंने खिलाया। तो एक बार वहां पर कोई विद्वान थे, उन्होंने पूछा पंडित जी से कि क्या पंडित जी आपके कितना तीव्र कर्म का उदय है, बोले पाप किसी को नहीं छोड़ता, बोले आप जैसे निर्मल ज्ञानी को भी घर पर इतना कष्ट होता है। तो पंडित जी बोलते हैं कि वो मेरा पुण्यानुबंधी पाप है, बोले यानी वो मेरे ऐसे पाप का उदय आ रहा है जो मुझे पुण्य के अभिमुख कर रहे हैं, और मैं इसको इसलिए अच्छा मानता हूं क्योंकि अगर सब कुछ मेरे अनुकूल हो जाता तो मैं आत्मकल्याण को भूल जाता और मुझे संसार से वैराग्य नहीं होता। तो संसार से वैराग्य का कोई हेतु प्रतिदिन मेरे सामने हो तो वो मेरे लिए हितकारी ही है, और मुझे वो सहज रूप से प्राप्त है वो हेतु। कई किस्से उनके पत्नी के साथ, बाकी संलेखना अच्छी होगी थी ज्ञान। तो आचार्य कह रहे हैं कि जैसे हाथी को ये अब्रह्म बंधन में डाल देता है, वैसे ही जनता में जिनको सम्मान प्राप्त है, जो बलवान है गुणशाली है, उन प्राणियों को भी मान हानि आदि क्लेशों का यह निदान अर्थात कारण बन जाता है काम। इस जगत में ऐसी स्थिति होती है, जिम्मांत करणो ब्रह्मा निज पुत्री मपत्रपः जगाम के लिए नारद नारी तंच महेश्वर। जिम्मांत करणो, देखो इसी अभिलाषा के कारण जो अन्य मतों में कथाएं आती है उनका यहां पर उल्लेख करते हुए आचार्य कह रहे हैं कि ब्रह्मा के अंदर भी अंतःकरण भी जिम हो गया था, टेढ़ा हो गया था स्त्री के रूप से आकृष्ट होकर, और उसके कारण अपत्रप वो निर्लज होकर निज पुत्री जगाम अपनी पुत्री को पुत्री है ये भूल गया, और फिर उन्होंने
पुत्री के साथ समागम किया, क्यों? और फिर बोलते हैं कि ये जिस काम के कारण महेश्वर अर्ध नारी तुम जगाम, जो महेश्वर थे वो अर्ध नारीश्वर बन गए, यानी उन्होंने अपना आधा शरीर स्त्री का बना लिया, मतलब उनने और वो एक रूप कर दिया उनने शिव और शक्ति। और गोविंदो मंदधीह प्रीत्या गोपपत्न्या गृहं गतः तया पिचकिलात्यंत चतुरोक्त्या प्रतारितः। फिर गोविंद भी प्रीति से गोपपत्न्या यानी गोपी के यहाँ पर उसके घर पर चले गए, और उस समय बुद्धि की जो तीक्ष्णता और फिर जो चतुराई होती है वो सब मंद पड़ जाती है उस राग के उत्पन्न होने पर। और तयापच किला अत्यंत चतुरोक्त्या प्रतारित, और उस गोपी के द्वारा भी वे चतुर वचनों से अत्यंत प्रतारित अर्थात एक माया को प्राप्त हो गए, माने उस गोपी ने ऐसे ऐसे वचन बोले, माया से परिपूर्ण वचन बोले। अब वो श्लोक दे रहे हैं यहाँ पर उनके ग्रंथों से। जैन ग्रंथों में तो श्री कृष्ण जी का और गोपी का, गोपियों का जो वर्णन आता है उसमें हरिवंश पुराण के अंदर ये बताया कि कृष्ण जी गोपियों के साथ सब वो करते थे, लेकिन फिर भी उनका मन सदैव निर्विकार रहता था, ऐसा वर्णन हरिवंश पुराण के अंदर आता है कि कृष्ण जी का मन गोपियों के साथ रहते हुए भी सदैव निर्विकार रहता था। अब यहाँ पर जो बात है वो ऐसी है, अंगुल्या कपाटम प्रहरति कुटिले माधव किं वसंतो नो चक्री किं कुलालो नहीं धरणी धरह किं द्विजे वह फणींद्र नाहं घोरा हि मर्दि त्वमसि खगपते नो हरि किं कपींद्र इत्येवं गोपवध्वा प्रतिवचन जड़ पातु वह पद्मनाभ। अब उनके यहाँ पर ये सब लीला होती है जैनेतर संप्रदाय में, तो उसमें उन्होंने ये लिखा है अंगुल्या कह कपाटम प्रहरति, अंदर से वो गोपी पूछ रही है जिसके द्वार पर गोविंद गए हुए हैं, उंगली से खटखटा रहा है, तो वो अंदर से पूछती है कि उंगली से किवाड़ को कौन खटखटा रहा है, तो बाहर से उत्तर आता है कुटिले हे कुटिले माधव मैं माधव हूं। तो वो अंदर से पूछती है किम वसंतो, माधव का अर्थ वसंत भी, वसंत ऋतु भी होता है, तो बोले क्या वसंत हो, तो बोले नो चक्री नहीं मैं चक्री हूं, सुदर्शन चक्र के धारक थे तो मैं चक्री हूं। तो वो गोपी अंदर से बोलती है किंग कुलालो चाक चलाने वाले कुमार हो क्या, नहीं धरणी धर, बोले कि नहीं मैं धरणीधर हूं, इस धरणी अर्थात धरती को धारण करने वाला, धरती का स्वामी हूं। तो वो पूछती है किन द्विज एव फणींद्र, बोलती कि धरती को धारण करने वाला तो शेषनाग होता है, दो जीव वाला फणींद्र होता है, तुम वो हो क्या? तो बोले नाहम घोराही मर्दी, मैं वो नहीं हूं बल्कि मैं भयंकर अरि यानी सर्प का मर्दन करने वाला, कालिया नाग था ना कालिंदा, उसको वहां पर यमुना में उन्होंने कालिंदी नदी यमुना का ही दूसरा नाम है, उसका मर्दन किया था कृष्ण ने, उसको पराजित किया था उस नाग को। तो घोरा ही मर्दी, मैं उस भयंकर सर्प का मर्दन करने वाला हूं। तो फिर वो अंदर से कहती है तुमसी खगपति, क्या तो फिर तुम गरुड़ हो, क्योंकि गरुड़ सर्पों का मर्दन करता रहता है। तो गोविंद उत्तर देते नो हरि, नहीं मैं हरि हूं,
तो वो बोलती है कि किम कपिंद्र, हरि तो बंदरों के राजा को भी कहते हैं, तो तुम बंदरों के राजा हो। इत्येवं गोवध, इस तरह से उस गो वधु ने प्रतिवचन जरा फिर उत्तर देने में वो जड़ जैसे हो गए कि अब मैं क्या इनको जवाब दूं, मैं क्या परिचय दूं। तो ऐसे जो हो गए थे पद्मनाभ वह पातु, ऐसे पद्मनाभ अर्थात गोविंद तुम सबकी रक्षा कर, ऐसा ही मंगलाचरण। तो इसमें ये बताया कि उसने एक प्रकार से गोपी ने उनको छकाया था, फिर ब्रह्म अब्रह्म से और क्या होता है बताते हैं। ब्रह्मा जिम्मित सम्मत बहुमुख, ब्रह्मा जिम्मित सम्मत बहुमुख काशीक्षणाद्भीतितः पार्वत्यास्तनु संप्रवेश विवशः शार्धांगनारी हरः विष्णुर्वारिद्धि मध्यगो गत धृतिस् तद्दीर्घ निद्रो भवत् त्रैलोक्योन्मथनो थमन्मथ विभूर मन्येश्वरात् दुर्धरात्। त्रैलोक्योन्मथनोत्थ मन्मथ विभो, तीनों जगत का उन्मथन करने के लिए उत्थ यानी उत्पन्न जो कामदेव रूपी शक्तिमान है उसके दुर्धर शरात बाण के कारण ब्रह्मा जिम्मित सन्मति, ब्रह्मा की सद्बुद्धि मलिन हुई और बहुमुख और उसने बहुत सारे मुख बना लिए। ऐसी कथा भी आती है अन्य मतों में कि जब ब्रह्मा तपस्या में लीन थे तब इंद्र ने कोई अप्सरा को भेजा था, तिलोत्तमा थी या कोई तो थी, तो जब तक उनका ध्यान उस पर नहीं गया तब तक तो वो तपस्या करते रहे, लेकिन जब वो उधर आकृष्ट हो गए तो फिर वो नृत्य करते करते बाजू में खिसकने लगी, तो फिर ब्रह्मा ने ऐसे बाजू में देखना चाहा तो वो और आगे चले गई। तो तब ब्रह्मा ने अपने जो हजारों वर्षों की तपस्या थी उसमें से कुछ कटौती कर करके नए नए सिर बना लिए, तो इस प्रकार चतुर्मुख हो गए वो और सर्वत्र वो उस अप्सरा को ही देखने के लिए तत्पर हो गए। तो काष्ठे क्षण सब काष्ठा का अर्थ होता दिशा, सब दिशाओं में देखने के कारण वो बहुमुखी बन गए। और काम के बाणों की भय से पार्वत्याह तनु संप्रवेश विवशश, पार्वती के आधे शरीर में प्रवेश करने के कारण जो विवश हुए ऐसे हर यानी महादेव अर्धांग नारी आधे शरीर से नारी रूप हो गए और विष्णु वारिधि मध्यगम, और विष्णु जो थे वो समुद्र के बीच चले गए, धैर्य रहित होकर के वो समुद्र के मध्य चले गए। तद दीर्घ निद्रो भवत, और वहां पर उनको दीर्घ निद्रा आ गई।
तो ये काम का ऐसा प्रभाव है। अन्य मतों में जो बड़े बड़े गणमान्य महापुरुष है या महात्मा है जिनको त्रिदेव के रूप में माना जाता है, उनकी कथाओं में भी ये वर्णन मिलता है कि उस अनुराग के कारण ये स्थिति हुई। मारा पराविधानेन ब्रह्मणान्नी पिता दृशाः जाता विडम्बना पात्र मिदं चित्रं हि नो यतः। अथवा इदं चित्रं हि नो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यतः क्योंकि मारा पराभिधानेन अब्रह्मणा, मार यानी काम है, दूसरा अभिधान यानी नाम जिसका, ऐसे अब्रह्म के द्वारा तादृशः अन्येपि विडंबना पात्रम जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे अन्य भी अनेक अनेक धीर वीर भी विडंबना के पात्र बन चुके हैं। तो इदम नो ही चित्र, ये आश्चर्य की बात, कोई विचित्रता की बात नहीं है इसमें। काम के कारण सब विडंबना को प्राप्त हो जाते हैं। कादंबरी रसोन्मादम वाहिताहित मोहितम त्रिवेदोदीर्णा भ्रांत स्वांतम तद्वदिदं जगत। जिस प्रकार कादंबरी रस का जो उन्माद होता है, यानी मदिरा का जो स्वाद होता है, उससे जो उन्माद यानी नशा चढ़ता है, उस समय हिताहित मोहितम, हित और अहित के विषय में बुद्धि मोहित अर्थात भ्रमित हो जाती, भटक जाती, ये विवेक नहीं रहता है कि हितकारी क्या है या अहितकारी क्या है। बस उसी प्रकार त्रिवेदोदीर्णा भ्रांत स्वांतम तद्वदितं जगत, ये जो जगत है तीन वेदों की उदीर्णा के कारण भ्रांत चित्त होकर उसी अवस्था को प्राप्त हो गया जिस प्रकार मदिरा के कारण मनुष्य हिताहित के बहे विवेक से शून्य हो जाता है। इदम जगत, ये सारा जगत बस मदिरा पीने वाले के समान तीन वेदों की उदीर्णा से भ्रांत चित्त हो गया है, उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई है। बहुत लंबे समय तक के इसका प्रभाव रहता है, यानी वेद का उदय जो होता है वो जन्मतः होता है और वो उदय मरण तक चलता है, वो बदलता नहीं है। उदय जिसको स्त्री वेद का उदय प्रारंभ हुआ है उसको अंत तक स्त्री वेद का उदय रहेगा, पुरुष वेद का उदय प्रारंभ हुआ है तो अंत तक पुरुष वेद रहेगा। मोहनीय का जो एक मोहनी की एक प्रकृति है, नौ कषाय है, वो जन्म से मरण तक चलती है। पंच संग्रह, संस्कृत पंच संग्रह में लिखा नान्तर्मा मुहूर्तिका वेदा संति तत्र कषायवत् आजन्म मृत्युतस्तेषाम् उदयो दृश्यते यतः। कषायों के समान ये अंतर्मुहूर्तिक नहीं रहते वेद, कषाय तो अंतर्मुहूर्त में क्रोध है तो मान हो जाएगा या माया लोभ कुछ भी हो जाएगा, बदल जाएगी कषाय, लेकिन वेद जो है ना वो जीवन भर एक ही रहता है। और जब इसकी उदीर्णा होती है, अपक्व पाचन उदीर्णा, तब व्यक्ति के अंदर ये संज्ञा उत्पन्न होती, अभिलाषा उत्पन्न होती है, और इस अभिलाषा के उत्पन्न होने पर एक लंबा समय जीवन का उसी में निकल जाता है। और ये जगत उस उतने काल तक नशे में रहता है, शराब के नशे में जैसे मनुष्य हिताहित के विवेक से शून्य होता है, उसी प्रकार ये उस
उद्रेक में, उस काम के नशे में भी वैसा ही हाल हो जाता है। अभी वैज्ञानिकों ने भी एक बात खोज कर निकाली है कि ऐसा क्या परिवर्तन आ जाता है मनुष्य में कि जब उसके अंदर वैसी अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है तो लाख प्रयास करने के बाद भी वो मानते नहीं, किसी की बात नहीं सुनते वो। उनको कितना भी मनाओ, कितने भी दृष्टांत सुनाओ और कितने भी उनके हर प्रकार से उसको समझा लो, लेकिन वो बोलते कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं किसी के नहीं सुनने वाला, मुझे बस वही चाहिए। तो इसकी खोज हुई थी बीच में, साइंटिस्ट लोगों ने जब खोज की तो पता चला कि अपने शरीर में ग्रंथियां होती हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स बोलते हैं उसको, तो उसमें फिनाइल एंडोकॉर्टिकोस्टेरोन नाम का एक रसायन उत्पन्न होता है, एक हार्मोन उत्पन्न होता है। एड्रेनालिन तो होता ही और बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, तो ये फिनाइल एंडोकॉर्टिकोस्टेरोन वो राग होने के समय उत्पन्न हो जाता है, और वो जब रक्त संचार में आ जाता है तो लगभग 2 साल तक के वो उसका नशा दूर नहीं होता। भयंकर स्थिति थी। श्रुत्वा लोक्येन सीधुमाद्यति जनः स्पृष्ट्वा च माद्यत्यदः पीत्वैव श्रवणे क्षणानुभवनैः कान्ताजनानां पुनः लोको मुह्यति चित्रमत्र तु परं प्रभ्रष्ट दृष्टिश्रुते श्रुतिः त्यक्त्वा सत्त्वगुणं नयं च विनयं साद्दुर्मतिर् दुर्गतिः। श्रुत्वा आलोक्य च सीधु न माद्यति जनः। मनुष्य मदिरा का नाम सुनकर या मदिरा को दूर से देखकर नशे को प्राप्त नहीं होता। स्पृष्ट्वा तक, स्पृष्ट्वा च, और उसको अगर छू भी ले तो भी नशा नहीं चलता, सिर्फ पीता है तब नशा चढ़ता है। स्पृष्ट्वा च न माद्यति, अतः पीत्वैव, सिर्फ पीकर ही उसको नशा चढ़ता है। लेकिन कांता जनानां श्रवणे क्षणानुभवने ही पुनः लोको मुह्यति, लेकिन स्त्री जनों के प्रति जिनको राग उत्पन्न हो जाता है वो उनकी आवाजों को सुनकर, उनको देखकर या फिर उनका समागम करके हर प्रकार से नशे को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। चित्रमत्र तो परम, ये बड़े भारी आश्चर्य की बात है। प्रभ्रष्ट दृष्टि, देखने से उनकी दृष्टि खराब हो जाती है, आवाज सुनने से उनके कान वही सुनना चाहते हैं, और त्यक्त्वा सत्वगुणं नयं च विनयं, वो अपने सात्विकता रूप जो गुण, सज्जनता के जो गुण हैं उनको छोड़ देता है, अपने न्याय मार्ग को छोड़ देता है और बड़ों के विनय को छोड़ देता है, वो दुर्मति हो जाता है और दुर्गति का पात्र हो जाता है। दशानन की यही दशा हुई। दशानन के विषय में 2-3 पंक्तियां होंगी हमारी लिखी हुई, ज्यादा भी हो सकते हैं, देखते हैं। उसमें यही बात लिखी है, दल बल मंडित बलि दशानन मानी राक्षस राज, त्रिखंड विजयी हुआ पराजित पर नारी के काज, जब विनाश की बेलाए सुमति कुमति बन जाए, मंदोदरी लाख समझाए रावण को न सुहाए।
ये दशा हुई थी। वेदा तुच्छो दयादिच्छा उन स्त्री तद्वय संश्रय स्त्री पुन्नपुंसकानां स्यादभ्रम मैका के नाम अपि। वेद के अतुच्छ उदय से अर्थात वेद के भारी उदय से स्त्री पुरुष अथवा दोनों के आश्रित इच्छा उत्पन्न होती है। किनकी इच्छा होती है? स्त्रियों की इच्छा होती है, पुरुषों की इच्छा होती है, नपुंसकों की इच्छा होती है। और इच्छा किसको होती है? जिसको उस कर्म का तीव्र उदय है और वह अब्रह्म होता है। वैसी अभिलाषा का नाम अब्रह्म है। फिर वो क्रिया तो है ही है अब्रह्म रूप एका के नाम अपने, और अकेले में भी इस प्रकार की इच्छाएं होती है। तो यह अब्रह्म है। इच्छा और प्रवृत्ति दोनों को अब्रह्म कहते हैं। तेनानुन्मथितं चेतो यत्तद् ब्रह्म व्रतं स्मृतं व्रतव्रात लता मूलं मूलं स्वर्गापवर्गयो। तेन अनुन्मथितं चेतः, तो उस अब्रह्म से जिनका चेतस अर्थात मन अनुन्मथित है, उन्मथित नहीं है, दूषित नहीं है, प्रभावित नहीं है, यत्तत् ब्रह्म व्रतम स्मृतम, वह ब्रह्मचर्य व्रत स्मरण किया गया है जो कि व्रत व्रात लता मूलम, व्रत समूह रूपी लता की जड़ है और स्वर्गाप वर्गयोह मूलम स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। यन महात्म्यान महाविद्या सेवोद्यावा वसंतलं जने प्यसंयते यच्च नामना देवव्रतं मतं। जिस व्रत की महिमा से असंयते भी जने, असंयत मनुष्य में भी महाविद्या सेवोद्या बसंती, सेवा के लिए उद्यत होकर बड़ी बड़ी विद्याएं उसमें उसके निकट निवास करने लग जाती है। असंयम मनुष्य को भी के निकट बड़ी बड़ी विद्याएं आ जाती है ब्रह्मचर्य के प्रभाव से। यच्च नामना देवव्रतम मदम, और जिसका एक नाम देव व्रत भी है, ब्रह्मचर्य व्रत को देव व्रत कहते हैं। और ब्रह्मचर्य व्रत के विषय में ऐसा भी बताते हैं कि जो देवलोक में ब्रह्मचर्य से रहते हैं उनकी शेष देवलोक अर्चना करते हैं, वो शुद्ध सम्यक दृष्टि लोकांतिक देव होते हैं, उनके विषय में ये लिखा है इतरेषां देवानां अर्चनीयाः देवर्षय, उनको देवर्षि बोलते हैं क्योंकि महिलाणम परिवारो तेसे नथी। तिलोय पंडित में लिखा है कि महिलाओं का परिवार उनके पास नहीं है, लोकांतिक देव। अब अंत में ब्रह्मचर्य की भावनाएं बता करके ब्रह्मचर्य का वर्णन पूर्ण करते हैं। स्त्रीणाम स्त्रीणाम राग कथांगाव लोकनादरयो स्मृति त्याग पूर्वं त्यागं
त्याग पूर्व रतस्योच्चैर, त्याग पूर्व रतस्योच्चैर वृषेष्ठस्य रसस्य च। स्त्री संसत्त वसत्यंग संस्कार परिवर्जन चेति पंच वदन्त्यार्यास् तुरीय व्रत भावना। स्त्रियों के प्रति राग उत्पन्न करने वाली कथाएं, स्त्रियों के अंगों का अवलोकन करने में आदर का होना, यानी आदर पूर्वक उनके शरीर को देखना, घूर घूर करके देखना, और स्मृति ही उनका स्मरण करते रहना, इनका त्याग, इन सब का त्याग करना होगा। फिर पूर्वम रतस्य त्याग, पूर्व काल में जो जो काम किए हैं उस प्रकार के, उनका त्याग करना होगा। और उच्चय उत्कृष्ट रूप से वृष और इष्ट रसस्य च त्याग, वृष याने जो बाजी कारक रस होते हैं, जो काम पुरुषार्थी जिसका सेवन करते हैं, जिनका वर्णन आता है शास्त्रों में, संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपति जिन वस्तुओं का सेवन करते हैं, उनका सेवन ब्रह्मचर्य की स्थिरता के लिए नहीं करना होता है। और इष्ट यानी जो मनपसंद चीजें हैं उनका सेवन भी छोड़ना होता है, क्योंकि अगर जीव वश में नहीं होगी, आप पसंदीदा वस्तुएं खाते रहेंगे तो जिह्वा जो है वो पराजित नहीं होगी, आप जिह्वा के अधीन रहेंगे, और जो जिह्वा के अधीन है वो ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो सकते। एक भोपाल के सुरेश मास्टर साहब कहते थे कि सुविधा भोगी अध्यात्म के पात्र नहीं होते, बिल्कुल सही बात थी। और स्त्री संसक्त वसति वर्जनम, स्त्रियों द्वारा जो संसक्त वसति है, संसक्त वसति का अर्थ होता है कि ऐसा निवास जहां पर स्त्रियां रागपूर्ण प्रवृत्तियां करती हैं, जहां रागासक्त होकर के वो विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करती हैं, उन वसतियों का त्याग करना होता है। ना जहां सब प्रकार की प्रवृत्तियां कर रही हैं स्त्रियां, तो ऐसे स्थान पर ब्रह्मचर्य व्रति को उससे दूर रहना होगा। और फिर अंग संस्कार परिवर्जन, अपने शरीर की सजावट को छोड़ना होगा, क्योंकि वो सजावट जागृत रहना। पहली बात तो यह है कि आप सजावट क्यों कर रहे हो, किसी को अच्छा दिखने के लिए कर रहे हो ना। स्वच्छ होना अलग बात है, सजना धजना अलग बात हो जाती है। यानी ये सजावट अगर दूसरों को आप आकर्षित करने के लिए कर रहे हो तो फिर उससे ब्रह्मचर्य व्रत की निर्मलता नहीं हो सकती। इति पंच तुरीय व्रत भावना आर्या वदन्ति, इस तरह से गुणीजन चौथे व्रत की पांच भावनाएं बतलाते हैं। पहली बात तो राग उत्पन्न करने वाली चर्चाएं नहीं करना, किससे कहानियां नहीं करना। दूसरी बात आदर पूर्वक उनके अंगों का अवलोकन नहीं करना, अर्थात घूर कर नहीं देखना। तीसरी बात पूर्व काल की जो स्मृतियां हैं उसका त्याग करना। चौथी बात रसना इंद्रिय को वश में रखना। और अंतिम जो है कि जहां पर हर प्रकार की प्रवृत्तियां होती है स्त्रियों के द्वारा, उन स्थानों का त्याग करना, अपने शरीर की सजावट का भी त्याग करना है। ऐसे पांच भावना है, इस तरह ब्रह्मचर्य महाव्रत का वर्णन यहाँ पर पूर्ण होता है। अब ब्रह्म के मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदन पूर्वक
जीवन पर्यंत के त्याग को ब्रह्मचर्य महाव्रत कहते हैं। जैनम जयतु शासन तथा पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचरण क्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम शुद्ध भक्ति का सर्वं करुण जमि चत्तार मंगल वरंद मंगल सिद्ध मंगल साव मंगल के बलि पंडित तुम मंगल चत्तार शरणं पवज्जामि अरहंत शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलि पंडित तुम शरणं पवज्जामि जय जय नाम दर्शन 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 दर